हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.1। यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लेकिन इसमें गिवन हियर आर सम फिगर्स वो लिखा था और फिगर्स ड्रॉ किए थे, तो हमने भी ओनली फिगर ड्रॉ किए थे, आगे नहीं किया था क्योंकि वो रेस नहीं था। तो आज हम वो फिगर के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। जो फिगर है वो ड्रॉ नहीं किए क्योंकि कल किए थे, तो आज उसके क्वेश्चन के आंसर हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल कर्व, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 8 है ना, 8 में से सिंपल कर्व कौन सी है वो हमें फाइंड करने का है, वो इसका आंसर हमें देने का है। तो सबसे फर्स्ट आंसर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, पास में उसका आंसर भी लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और मैथ्स में दिए हैं एक साथ सब क्वेश्चन लिख के फिर एक साथ आंसर दे सकते हो, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 question 1 answer ऐसा किया है। तो क्वेश्चन नंबर ए है सिंपल कर्व, तो इसमें से सिंपल कर्व कौन सी है वो हमें उसका आंसर हमें देने का है। तो इसमें से सिंपल कर्व कौन सी है, तो 1, 2, 5, 6 and 7 कौन सी है, 1, 2, 5, 6 and 7 आर सिंपल कर्व। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, 2 और बी, इसमें बी लिखा है तो हम भी बी बोलेंगे। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसमें देखो क्या लिखा है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सी है वो हमें इसका आंसर देने का है। तो यहाँ पे इसका आंसर है सिंपल क्लोज कर्व इक्वल 1, 2, 5, 6 and 7 आर सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, ए और बी के आंसर हमने दे दिए। अब हम आए क्वेश्चन नंबर सी, सिंपल ना सी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कौन है, कौन सा फिगर है इसमें से वो हमें सॉल्व करने का है और बताने का है कि जो ये फिगर दिए 1, 2, 8 उसमें से पॉलीगॉन कौन सा है, कौन है, कौन सी पॉलीगॉन है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1, 2 and 4 क्या आंसर है, 1, 2 and 4 है वो क्या है, पॉलीगॉन है। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी। ठीक है, तो डी क्वेश्चन नंबर डी, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो हमने आंसर दे दिया, अब इसमें से कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन है, फिगर कौन सा है नंबर वो हमें बताने का है और फाइंड करने का है। तो क्वेश्चन नंबर डी है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन 2 है, कौन है, ओनली 2, तो हमें लिखने का है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज ओनली 2, 2 नंबर है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ठीक है, ए बी सी डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई, कॉनकेव पॉलीगॉन, देखो कॉन्वेक्स फिर आफ्टर क्या आता है, कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सा है, तो इसका आंसर हम देंगे कि कॉनकेव पॉलीगॉन इक्वल 1 and 4 कौन सा है, 1 and 4 है वो कॉनकेव पॉलीगॉन है। तो यहाँ पे ये सम फिनिश हो गया। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो ये जो इसमें लिखा है कि इसमें कितने डायगनल्स है वो हमें सॉल्व करने का है। फर्स्ट ए कॉन्वेक्स क्वाड्रेंटल, फिर बी ए रेगुलर हेक्सागन एंड ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम आंसर नंबर ए सॉल्व करेंगे, तो इनमें क्या फॉर्मूला है वो सबसे पहले हमें फाइंड करने की है और बताने की है, राइट करने की है। तीन तो क्वाड्रेंटल नंबर ऑफ साइड्स एन इक्वल 4, तो क्या है एन इक्वल 4, तो नंबर ऑफ द डायगनल्स इन ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इक्वल एन इन्वर्टेड कोमा एन माइनस 3 नीचे 2, ये इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ डायगनल्स इक्वल की फॉर्मूला लिखी है,
एन इन्वर्टेड कोमा में एन माइनस थ्री अपॉन टू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के फोर है ना, तो फोर इन्वर्टेड कोमा में फोर माइनस थ्री नीचे टू। तो जब हमने वो फोर माइनस थ्री तो क्या होगा, वन आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर मल्टीप्लाई वन अपॉन टू, तो आंसर क्या आएगा, टू। ठीक है, फोर टू फोर सा टू, टू टू सा फोर, तो कट हो जाएगा और आंसर आएगा टू। अब है नंबर बी, इन रेगुलर एक्सास और नंबर ऑफ साइड्स एन इक्वल सिक्स। ठीक है, तो जो रेगुलर एक्सासन होता है इसकी साइड कितनी होती है, सिक्स, और कोरिडेंटल की साइड कितनी होती है, फोर। तो यहाँ हमें जो इसकी फॉर्मूला है वो रख के फिर एन इक्वल जो इसकी साइड है वो हमें रखने की है। यहाँ पे कोरिडेंटल की साइड सिक्स है, उसकी फॉर्मूला क्या है, एन इन द ब्रेकेट एन माइनस थ्री तो टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी सिक्स साइड है, तो एन की एन के प्लेस पे क्या रखने का है, सिक्स। तो सिक्स इन्वर्टेड कोमा सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल सिक्स मल्टीप्लाई थ्री अपॉन टू। तो सिक्स थ्री सा क्या होता है, एटीन होता है, और नीचे है टू, तो टू नाइन सा एटीन होता है, तो टू कट हो जाएगा, एटीन भी कट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, नाइन। तो ये आंसर आया नाइन सेकंड का। अब है सी, यहाँ पे मैंने सेकंड तक ही करवाया है सी, फिर हम आगे नेक्स्ट टाइम में मैं बोर्ड पे कराऊंगी, लेकिन अब ओरली आपको समझा देती हूँ कि सी में क्या करने का है। इन ए ट्राइंगल नंबर ऑफ द साइड एन इक्वल थ्री, देखो ट्राइंगल में थ्री साइड होती है ना, तो इसकी फॉर्मूला है एन इन्वर्टेड कोमा एन माइनस थ्री अपॉन टू। तो एन की एन के प्लेस पे हमें क्या रखने का है, जितनी इतनी साइड होती है वो रखने की है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल की साइड कितनी है, थ्री, तो थ्री इन्वर्टेड कोमा में थ्री माइनस थ्री एन अपॉन टू। तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्री माइनस थ्री हो जाएगा तो ज़ीरो आ जाएगा, तो थ्री मल्टीप्लाई ज़ीरो अपॉन टू। तो आपको मालूम कि जिसके साथ भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, ज़ीरो। तो नंबर सी का आंसर क्या आया, ज़ीरो। ए का आंसर आया टू, बी का आंसर आया नाइन, और सी का आंसर आया ज़ीरो। आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी फॉर्मूला है एन इन्वर्टेड कोमा एन माइनस थ्री अपॉन टू। तो एन के प्लेस पे जितना वो उसकी साइड होती है वो रखने का है। देखो कोरिडेंटल की साइड है फोर, तो हमें एन एन पची इन्वर्टेड कोमा में एन माइनस थ्री, तो एन की एन के प्लेस पे क्या रखेंगे, फोर, तो फोर इन्वर्टेड कोमा में फोर माइनस थ्री अपॉन टू। ऐसे ही रेगुलर एक्सासन की साइड है सिक्स, तो एन के प्लेस पे सिक्स करके हमें फिर आगे सम करने का है। ऐसे ही ट्राइंगल की साइड सबको मालूम है कितनी होती है, थ्री, तो यहाँ भी एन के प्लेस पे थ्री रख के फिर आगे सम करने का है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स वन एंड टू, और हम टू ए आता है कंटिन्यू है, वो हम कल कंप्लीट करेंगे बोर्ड पे, डोंट वरी। और आपको ये सब कहाँ पे लिखने का है, मैथ्स की नोट में अच्छे हैंड राइटिंग से राइट डाउन करने का है, और होमवर्क में भी ये करने का है, अच्छे अक्षर से अच्छे हैंड राइटिंग निकालने के है, और अपनी नोट नीट एंड क्लीन रखने की है, और कंप्लीट भी करने की है। तो आप सब आगे मैं कल ये सम नंबर टू जो अनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करवा दूँगी, तो डोंट वरी। एंड फिर आगे करेंगे सम नंबर थ्री। तो तब तक के लिए थैंक यू।